बढ़िया। आप बताइए कैसे हैं। बढ़िया, आज क्या चल रहा है आजकल, आप बताएंगे। बस अभी पीछे आप देख रहे होंगे IFA म्यूजिक वर्ल्ड, तो अभी आज उसकी ओपनिंग हुई है और साथ साथ में हमारी एक और कंपनी RV बीट्स की ओपनिंग हुई है, तो वही दोनों कंपनी के लिए कुछ तैयारी चल रही है, कुछ एल्बम रेडी कर रहे हैं हम लोग, म्यूजिक वीडियो। सबसे अहम बात यह है कि जो इसके मेन ऑनर हैं ना, योगेश मिश्रा जी, जो कि एक डायरेक्टर भी हैं, एक टेक्नीशियन भी हैं, तो जुड़ने का मेन मकसद यही है कि वो टेक्नीशियन के दर्द को समझते हैं। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो, जैसे कि हमने गाने मार्केट में हम लोग करते हैं, बहुत सारे गाने हिट होते हैं, फ्लॉप होते हैं, तो सभी को क्रेडिट नहीं मिलता है उसमें। जितने लोग म्यूजिक डायरेक्टर होते हैं, राइटर होते हैं, वीडियो डायरेक्टर होते हैं, बाकी को आर्टिस्ट जो होते हैं, तो किसी को क्रेडिट नहीं मिलता। मेन एक्टर को हिट होने का क्रेडिट मिलता है, और फ्लॉप होने पर क्या होता है कि बाकी सभी को क्रेडिट मिलता है फ्लॉप होने पर, मेन एक्टर को नहीं मिलता है। तो वही मुहिम है। और दूसरी चीज़, एक जो एक उचित मूल्य जो होता है क्रेडिट के हिसाब से, तो वो भी किसी को नहीं मिलता है, कैमरे के पीछे काम करने वाले लोगों को। तो हम लोग का मकसद यही है, और हमारे टीम के जो अपने योगेश भैया हैं, तो हम लोग का मकसद यही है कि सभी को उचित मूल्य और सम्मान मिले, बस उसी पे काम किया जा रहा है, जिसके चलते मुझे अच्छा लगा कि इनके साथ जुड़ के काम हम लोग कर सकते हैं। जी, ये तो बिल्कुल हम शुरू से साथ आ रहे हैं कि जितना क्रेडिट हमें मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। और अगर हम मान लीजिए हमारे कोई गाने ग्रो करते हैं, तो उसका बेनिफिट टोटल मतलब एक ही जगह जाता है, सिर्फ हीरो को जाता है, चाहे वो पैसा हो, चाहे सम्मान हो, सारी चीज़ें। तो हम लोग का मकसद है कि पैसा और सम्मान सभी को मिलना चाहिए, क्योंकि एक गाने को हिट करने में सभी का हाथ होता है, जितने भी कैमरे के पीछे काम करने वाले, तो सभी का हाथ होता है, तो सभी को वो चीज़ मिलना चाहिए, जो भी जिसका पद है, पद के अनुसार। कहने का देखिए, सिनेमा एक ऐसी जगह है जहाँ पे सारा पेड एक्टर को ही मिल जाता है, चाहे अवार्ड हो, बड़े स्टार हो, या कोई भी रीजनल सिनेमा हो, बॉलीवुड हो, साउथ हो, भोजपुरी हो, आपका पंजाबी हो, हरियाणवी सिनेमा हो, बहुत सारे सिनेमा है इंडिया में, सब पर एक्टर ले जाता है। तो इसकी मेन वजह क्या है? आप तो काम करते हैं एज ए राइटर, आप काम करते हैं टेक्नीशियन, आप काम करते हैं कैमरामैन, आप काम करते हैं डायरेक्टर, लेकिन सबसे बड़ा देखिए, प्रॉब्लम बहुत सारी हैं हमारे यहाँ। क्या होता है ना, सबसे पहले एजुकेशन की कमी है हमारे यहाँ। जो भी लोग आते हैं बिना सीखे पढ़े आते हैं लोग, हम भी हैं मतलब, लेकिन ये है कि प्रैक्टिकली हमने किया है, हमने समय दिया, इंडस्ट्री में सीखा है, एक एक चीज़ को देखा है, जाना है। तो सबसे बड़ी बात है कि बहुत लोग को ये नहीं पता है कि मैं गीतकार हूँ तो गीतकार का मतलब क्या है, मैं संगीतकार हूँ तो संगीतकार का मतलब क्या है, मेरा ओहदा क्या है, मुझे क्या सम्मान। प्रॉब्लम हम लोग के टीम में भी है, जो गीतकारों में भी प्रॉब्लम है, डायरेक्टर लोगों में भी प्रॉब्लम है, अपने क्रिएटिविटी को खुद ही इज्जत नहीं देते हैं, जिसके चलते सारा क्रेडिट एक जगह जाता है। क्योंकि हीरो क्या होते हैं, हीरो जानते हैं कि मैं बिक रहा हूँ, वो अपना क्रेडिट जानते हैं, तो अपना मूल्य भी लेते हैं, अपना क्रेडिट भी लेते हैं। लेकिन कुछ लोग पीछे हैं जो नहीं समझते हैं, जिनके चलते अच्छे लोग, क्रिएटिव लोग भी मारे जाते हैं। तो यही सब प्रॉब्लम है। जब तक ये जागरूकता नहीं आएगी लोगों में कि हम गीतकार हैं तो मेरा महत्व क्या है, मेरा मूल्य क्या होना चाहिए, जैसे कि हिंदी इंडस्ट्री में जो है, पंजाब की इंडस्ट्री में, वहाँ सब कुछ सही है हमारे यहाँ के हिसाब से देखा जाए तो भोजपुरी में अभी बहुत पिछड़ापन बोल सकते हैं एक तरीके से, जागरूकता नहीं है। तो बस कोशिश किया जा रहा है कि लोगों को जगाया जाए, और हम इस कंपनी के जरिए जो भी राइटर, म्यूजिक डायरेक्टर, जो भी काम कर रहे हैं हमारे साथ, हम सभी को उचित मूल्य दे रहे हैं, सभी का मनोबल बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि लोग हमसे सीखें और नेक्स्ट आने वाले जनरेशन को भी एक अच्छा सुझाव मिले, लोग अच्छा काम करें। जी, आपका सबसे ज़्यादा दबाव महत्व किसके साथ रहा है, और आप किसको ज़्यादा मानते हैं ये हर चीज़ में, कल्चर वाइज, माइंड वाइज, और एक नेचर वाइज भी अच्छे हैं, ऐसे कौन से स्टार आपकी नज़र में? देखिए, भोजपुरी में तो अब स्टारों की बात है ना, संबंध के साथ काम भी किया जी, आपको अच्छे भी लगे? संबंध तो देखिए हमारे सबसे अच्छे हैं, खेसारी भैया से, पवन भैया से, दिनेश भैया से, सभी लोग अपने अपने जगह पे, सब लोग, सभी लोग अच्छे हैं।
लेकिन रिलेशन की बात कहें तो सबसे ज़्यादा हमारे खेसारी भैया से रहा है, क्योंकि हम शुरू से स्ट्रगल टाइम से ही हम लोग साथ रहे भी हैं, साल दो साल एक ही रूम में रहे हैं, और उनका भी काफ़ी मुझे सपोर्ट मिला है, तो मतलब एक घर टाइप का रिलेशन है उनसे। बाकी सभी से पवन भैया भी उतना ही मुझे इज्जत करते हैं, मैं भी उनकी उतनी इज्जत करता हूँ। और अगर बिहेव वाइज देखा जाए तो हमारे साथ तो कभी ऐसा कोई बिहेव नहीं किसी स्टारों ने किया जिनको, इसकी वजह से मैं कभी उनको गलत बोलूँ। तो फिर दर्द किसके लिए? दर्द देखिए नहीं, ये तो पर्सनल नेचर की मैं बात कर रहा हूँ, पर्सनल व्यवहार की बात कर रहा हूँ। अब बाद में जो मैं बोला दर्द की, तो वो इंडस्ट्री की बात है, कमर्शियली बात कर रहा हूँ। तो कमर्शियली क्या ये आप लोगों को सपोर्ट नहीं करते या आपके साथ बिहेव अच्छा नहीं करते? नहीं देखिए, कमर्शियली तो कोई किसी को सपोर्ट नहीं करता ना, कमर्शियली कोई किसी को सपोर्ट, क्योंकि नहीं, उन्होंने एक बार सपोर्ट किया था शुरू में, पहली बार जब हम लोगों ने शुरुआत किया कि भाई राइटर का पैसा बढ़ना चाहिए, तो पहला हाथ उन्हीं का था, उन्होंने हाथ उठाया कि बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग आते जाते हैं ना उसमें काम करने वाले, तो अब मान लीजिए हमारा किसी ने प्राइस इतना बढ़वाया, उसी में किसी ने सस्ते में काम कर दिया, तो सब लोग चाहते हैं भाई मेरा दो पैसा बचे, लाओ सस्ते से पहले काम कराऊँ, तो इसी में फिर बिगड़ गया सिस्टम। यही सब चीज़ें हैं। बाकी पवन जी ने भी साथ दिया, हमने पवन जी के साथ भी काम किया, तो उन्होंने भी, उनको भी मैंने बताया कि भैया मैं इस बेस पे काम कर रहा हूँ, उन्होंने भी सपोर्ट किया। लेकिन एक होता ना कि भाई कोई गाना हिट हुआ, हम अपना प्राइस बढ़ा लिए, मतलब बड़े स्टारों की बात कर रहा हूँ, तो उसके साथ साथ ये भी होना चाहिए कि सबका प्राइस बढ़े। हाँ, राइटर भाई उस हिट गाने को राइटर ने लिखा है ना, म्यूजिक डायरेक्टर ने उसको म्यूजिक से सजाया, तो हमारे साथ 10,000 गाने बन रहे हैं क्या आप वही खड़े हैं, स्टार आगे जा रहे हैं, ऐसा कुछ लग रहा है आपको? नहीं देखिए, अपने अपने जगह पे सभी आगे जा रहे हैं, बात कमर्शियली कहें पर्सनल प्रोफाइल की कहें तो उस मामले में हम वही हैं, स्टार हमसे प्रोफाइल में आगे जा रहे हैं बस, बाकी चीज़ों में तो सब कोई अपने अपने जहाँ पे सबका वही नाम है, तो जो जैसा काम कर रहा है। आपके लिए क्या करना चाहिए, आप खुद की सोच क्या रखते हैं? मेरी देखिए सोच यही है कि सभी को सम्मान मिलना चाहिए, जिस सम्मान में बिल्कुल कमी है, हमारे यहाँ गीतकारों का कोई सम्मान नहीं है। गीतकार मतलब झोला पकड़ के ढोने वाला आदमी, जो दिन भर चरणों में बैठा रहे वही गीतकार है यहाँ पे। अगर आप टैलेंट दिखाए, सम्मान बिल्कुल, देखिए गीतकार को गुरु के नज़रों से देखा जाता है, लेकिन यहाँ कोई, यहाँ कुछ नहीं होता, यहाँ क्या होता है कि आप झोला लेके पीछे पीछे घूमिए, भैया 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 करिए, एक्टर के प्रोड्यूसर तो बहुत दूर की बात है, एक्टर की बात होगी, क्योंकि यहाँ पे प्रोड्यूसर का चलता कहाँ, हमारे यहाँ तो एक्टर का चलता है। जुड़िए, हमारे यहाँ प्रोड्यूसर का चलता नहीं है, एक्टर का जो चलता है एक्टर का ही चलता है। नहीं, ये प्रोड्यूसर है, अभी जैसे ये मैं प्रोड्यूसर नहीं हूँ, ये प्रोड्यूसर है, ये है, मैं प्रोड्यूसर नहीं हूँ, मैं खुला बोलता हूँ, जो है वो ये है, यही है, ये समझते हैं तभी दिन के साथ हम काम कर रहे हैं, हम लोग साथ में नहीं, हम समझते नहीं है, सच्चाई यही है कि जो कुछ है आज़ाद भाई हैं, और अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं और हमारी ये बात सुन रहे हैं, तो ये समझिए कि जब भी आप अपना गाना लेके आएंगे तो डंडा इन्हीं की तरफ से लगेगा। मेरे भाई आज़ाद भाई को बहुत दर्द है इस चीज़ का कि सम्मान नहीं मिलता। यस यस, ये दुखद बात है। और सारा का सारा ग्रेट एक्टर ले जाते हैं, तो आपने कुछ ऐसा प्लान किया है कि एक्टर का क्रेडिट कम हो? और नहीं, मैं किसी का क्रेडिट कम नहीं करूंगा। कम होना करना पड़ेगा? नहीं, कम नहीं करूंगा, मैं क्रेडिट बढ़ाऊंगा, जिनका कम है मैं उनका क्रेडिट बढ़ाऊंगा, जिनका ऑलरेडी ज्यादा है उनका मैं कम कैसे कर सकता हूँ? अब जैसे आजाद जी की लिरिक्स है, आजाद जी की लिरिक्स से कोई भी गाना हिट हो रहा है, तो आप मेरे गानों में देखेंगे आजाद भाई का चेहरा दिखेगा, आज़ाद भाई का नाम दिखेगा, जितना नाम सम्मान आप हीरो को देखते हैं या सिंगर को देखते हैं, उतना नाम सम्मान हमारे लिरिक्स राइटर का भी होगा। यस, लाया हूँ पर्दे पे, आप देखेंगे जो हमारे अगले आने वाले गाने हैं उसमें आजाद भाई आपको फीचरिंग करते हुए दिखाई पड़ेंगे। जो रिवेन्यू का मैटर है वो कैसे सॉल्व करेंगे? 100% करूँगा, जो भी कमाई हमारी हो रही है या होगी आगे फ्यूचर में, अब वो दूसरा कोई चैनल क्या करता है क्या नहीं करता वो मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। हाँ, लेकिन हमारी कमाई में जो भी कमाई होगी उसमें लिरिक्स राइटर, म्यूजिक डायरेक्टर, सिंगर, प्रोग्रामर, एडिटर, लाइटमैन, जो कोई एक्ट्रेस है वो, एक्टर है वो, सबको कुछ ना कुछ चीज़ें फाइनेंशियली मिल रही होंगी, ये मेरा कमिटमेंट है। इन्होंने कहा आज़ाद भाई ने कि एक्टर जो है जैसे खेसारी हुए, पवन सिंह हुए, दिनेश लाल यादव,
एक्टर जो है झोला लेके साथ में चलते हैं, हमारा रेट वहीं रहता है और लोग जो है 10 की जगह और 8 रुपए देते हैं। ये जो है तो आज़ाद भाई से डिस्कशन करने के बाद जो हमारे बाकी के लिरिक्स राइटर हैं या प्रोग्रामर हैं जो भी हैं, आप यहाँ आइएगा 10-15-20 दिनों में आप सब लोगों को पता चल जाएगा कि हम लोग यहाँ पे आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा। मतलब आप 10 की जगह 100 देने वाले हैं। 100% और एक्टर का पैसा कम करेंगे? नहीं, फिर वही बात, मैं कम कुछ नहीं करने वाला हूँ, मैं सिर्फ बढ़ाने वाला हूँ। जिनका कम है उनका बढ़ा दूंगा और जिनका ऑलरेडी ज़्यादा है उनका कम थोड़ी ना करूंगा, कम करूंगा तो भैया ठीक है। आप बड़े प्रोडक्शन के साथ जुड़ने वाले नहीं हो क्योंकि आपको 10 मिलेगा या 20 मिलेगा? नहीं, सिर्फ पैसा है, देखिए कलाकार के लिए पैसा इम्पोर्टेंट है। सम्मान की बात करिए आप, तो सम्मान कहाँ? सम्मान हम कोशिश उसी लिए कर रहे हैं, उसके लिए ये क्यों बनाया है एफएम म्यूजिक वर्ल्ड, इसीलिए बनाया है ताकि सभी ये काम नहीं कर रहे हैं, ये आईफा म्यूजिक वर्ल्ड को चला रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। लाइन को थोड़ा सा मैं सही करना चाहूँगा, काम मैं कर रहा हूँ, मुझे जो काम करने के लिए बोला जाता है मैं कर देता हूँ। चलाने वाले आईफा म्यूजिक वर्ल्ड और आरवी बीट्स को चलाने वाले आज़ाद भाई हैं, तो आप लोग आज़ाद भाई से ज़्यादा संपर्क करें। फिल्म हमारी बहुत बढ़िया शूट होने वाली है जिसमें कल्लू जी का लुक चेंज होने वाला है, जैसे मैंने खेसारी जी का लुक चेंज किया था दबंग सरकार में, ऐसे ही कल्लू जी का लुक चेंज करने की कोशिश करूंगा। दो फिल्में हैं, एक फिल्म का नाम है विद्यापीठ और दूसरी फिल्म का नाम है शुक्ला जी, और दोनों फिल्मों में कल्लू जी का नया रूप आपको देखने को मिलेगा। मैंने अपना करियर सुधीर मिश्रा सर के साथ में शुरू किया था जो हिंदी के बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, उसमें अनुराग कश्यप भी एक्टर थे और मैं भी पैरेलल एक्टर था, ऋचा चड्ढा मेरी पैरेलल लीड हीरोइन थी और मैं उनका हीरो था। फिल्म का नाम है दासदेव, ठीक है, तो मेरा करियर वहाँ से शुरू हुआ था, तो मेरा भोजपुरी सिनेमा में जो करियर है वो खेसारी जी के साथ शुरू हुआ। लेकिन आपने यहां के कल्लू जी के साथ दो फिल्में कर रहे हैं, खेसारी जी के साथ भी दो फिल्में कर रहे हैं, हाँ पवन जी के साथ भी एक लाइनअप चल रही है अभी। कौन सी? जो खेसारी जी के साथ फिर से लुक चेंज कर रहा हूँ खेसारी जी का, आपको फिर से एक नया लुक देखने को मिलेगा खेसारी जी का। आपका दर्द नहीं छलकेगा इस प्रोडक्शन से जुड़ने के बाद? दर्द कैसे छलकेगा, हम प्रूफ करके दिखाएंगे हम लोग सीधा, लोगों के दर्द कम करने की कोशिश करेंगे, सभी का तो नहीं लेकिन यहाँ से इस बैनर से हम लोग कोशिश करेंगे कि सभी का दर्द कम हो जाए। आपकी फिल्म से बहुत चेंज आया है भोजपुरी सिनेमा में, वो आप कैसे देखते हैं? लोगों ने मुझे अच्छा लगता है, क्रिएशन चेंज कर दिया दबंग सरकार के, बिल्कुल चेंज किया, बहुत सारा लुक आ रहा है और खेसारी जी अभी भी उसी लुक को अडॉप्ट किए हुए हैं, सबसे बड़ा मेरा प्राइज यही है। दूसरी चीज़ है, अब खेसारी जी की फिल्मों में जो स्ट्रक्चर दिखता है या जो एंगल्स दिखते हैं वो हमारी फिल्म से शुरू हुए हैं, मैंने कोशिश करी थी, रिस्क लिया था, तो अब वो जब मार्केट में दिखता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और अब एल्बम में भी कोशिश करूँगा कुछ नया लाने की जिससे कि मार्केट में वो भी अडॉप्ट किया जाए तो मेरा परिणाम मुझे रिजल्ट मिले। और BBC भोजपुरिया चैनल और CG24 न्यूज़ चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इनके लोगों को भी आप लाइक करें, सिर्फ चैनल को नहीं, इनके लोगों को, ये जो दो चैनल हैं इनके जो लोग हैं जो इसको चला रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आप तक न्यूज़ पहुंचाते हैं, चाहे बरसात हो चाहे धूप हो, इनको भी धूप बेचारे पसंद होते हैं। आइए ना आप, शर्म क्यों आती है यार, अरे हाँ ये देखिए, ये सब पीछे की मेहनत है, आप पीछे की मेहनत को मत भूला करिए, यही हमारे चैनल का भी मेन मोटो है कि जो पीछे की मेहनत हो रही है वो किसी को दिखती नहीं है, उसको भी आप लोग देखिए। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.